धार जिले के पीथमपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास आज 16 जुलाई सुबह नाले में नवजात शिशु पड़ा हुआ मिला। सुबह मॉर्निंग वॉक पर युवकों को नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब पास जाकर झाड़ियों में देखा तो नवजात रो रही थी। बच्ची को कपड़े में लपेट कर युवक को रहवासियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची को पीथमपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गुजराती ने बताया कि बच्ची का जन्म 1 घंटे के अंतराल में ही हमारे पास पहुंच गई है। बच्ची की हालत फिलहाल स्वस्थ है, जिसका उपचार जारी है। पुलिस जांच कर रही है। क्षेत्र के पार्षद बीसी प्रजापति भी वहां पहुंचे हैं। बच्ची को गोद लेने की पहल मुकेश कुमार विश्वकर्मा ने की है। विश्वकर्मा ने चर्चा में बताया कि बच्ची को गोद लेने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो उसको करने के लिए तैयार है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। हुआ क्या था, घटना क्या हुई थी? घटना वो नाला था, हम लोग घूमने जा रहे थे तो वो बच्ची पड़ी हुई थी। फिर कितने बजे की बात है? 5:55 और 6 बजे के बीच की बात है। और वो हम जा रहे थे जब कौन कौन थे आप लोग? आप लोग कौन कौन थे? हम दो दोस्त थे। अच्छा, हमने देखा फिर बुलाया सबको। पहले लगा वो बुढ़िया है, फिर वो मुंडी निकलाई तो समझ में आ गया कि वो है बच्ची है। फिर हमने साइड वाली आंटी से कपड़ा मांगा, फिर उसको निकाला मैंने। तो मेरे एक दोस्त ने पकड़ा था नाले से जी। अच्छा, कितने कौन कौन दोस्त थे, आप और कौन था? मैं और एक मेरा दोस्त आदर्श पटेल, वो भी था। अच्छा, तो आवाज़ आ रही थी बच्चे की रोने की? नहीं, वो बाद में कर रही थी थोड़ी देर बाद। तो फिर आप क्या नाले में कूदे? हाँ, नाले में गया, फिर मैंने कपड़े से बच्ची को पकड़ा, फिर निकाला। फिर किसको सूचना दी? फिर पापा मम्मी को दी और साइड वाले से जो अंकल अंकल दिख रहे थे उनको बताया। ठीक है, नाम बताओ आपका। उज्जवल तिवारी। एक सर, इंडस टाउन में एक नवजात बच्ची आई थी वो स्वास्थ्य केंद्र पर, सर उसकी क्या स्थिति है, कितने दिन की बच्ची है, क्या उसका अभी ट्रीटमेंट हुआ है? 6:55 पर सुबह पुलिस द्वारा जी एक नवजात बच्ची को शासकीय अस्पताल पीथमपुर लाया गया था जी। बच्ची को देखने से बच्ची कम वजन की लग रही थी और जन्म के 1 घंटे के भीतर ही उसको यहाँ ले आया गया था। इसका मतलब ये है कि 5:15 बजे उसकी बच्ची का जन्म हुआ होगा। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ थी और वजन कम थी और 8 माह की है, तो हमने उसको जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी करा है और बच्ची को हमने वार्मर में भी रखा है, उसका टीकाकरण भी कर दिया गया है। अब बच्ची को हम लोग गहन चिकित्सा शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भेजेंगे MYH के लिए। सर इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? पुलिस उसके जो गार्जियन है उनको ढूंढेगी, ये आगे जो कुछ भी करना है वो पुलिस की कार्रवाई होगी जी। एक मिनिमम बेबीज का वजन कितना होता है और इसका वजन इस बेबी का कितना है? एक नॉर्मल शिशु का 2.5 किलो का वजन रहता है, ये 1 किलो 900 ग्राम की बच्ची है जी। तो अंडर वेट कहलाती है, लो बर्थ वेट वाली बच्ची जी। जी सर, बच्ची पाई गई थी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंतर्गत, क्या उसकी प्रक्रिया हुई पुलिस? सूचना मिली थी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और इंडस टाउन के बीच में एक नाला है, नाले में बच्ची के रोने की आवाज़ आई, तो आसपास वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल एडमिट कराया, बाद अपराध कायम कर जाँच में लिया गया विवेचना में जी। क्या मतलब ये क्या अपराध इसमें पंजीबद्ध होता है? इसमें अपराध है धारा 317 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। अभी बच्ची कहाँ है? बच्ची अस्पताल में है। नाम बता दीजिए आपका। ऐसे यशवंत योगी, पुलिस थाना सेक्टर नंबर 1 पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।